नसीम को सलाम सलाम पाकिस्तान मैं हूँ का मेज़बान साजागोरी आप देखें प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना नाज़रीन साथी हाथ बढ़ाना हमारा प्रोग्राम जो है नेशनल न्यूज़ नाम पर चलता है वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जितने भी आ, कोई भी ऐसी ज़रूरत है ज़िंदगी की कहीं कोई मरीज़ है या कोई सोशल एक्टिविटी कर रहा है उसके फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसे काम कोई ऐसा अदारा जो वो मसीह कौम के लिए बनाना चाह रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फंड की ज़रूरत है उस हवाले से हम ये प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं या पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो हमारे इस प्रोग्राम से उन लोगों को फिर कुछ ना कुछ टोकन ऑफ लव और ख़ुदा की तरफ से कुछ ना, कुछ ना कुछ देते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ महर टाउन जो है जो कि लाहौर के अंदर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ताज सीनियर सिटीजन सोशल फेलोशिप क्लब ये सीनियर सिटीज़न फेलोशिप क्लब जो है ये आपने नाम पहली दफ़ा सुना होगा क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ओल्ड होम के लिए जहाँ पर बुजुर्ग लोगों को वहाँ पर रखा जाता है लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात सुनने में आई है कि ये जो क्लब बनाया गया है ये फेलोशिप के लिए जो कि मेर टॉन के अंदर है जो कि लाहौर से आप बेदिया रोड की तरफ आएँ शहबाज शरीफ का जो हॉस्पिटल है उसको बिल्कुल थोड़ा सा आगे आएँगे तो आपको आएगा मेहर टाउन उसके अंदर ये बनाया गया क्लब ताज जो है सीनियर सिटीज़न सोशल फेलोशिप क्लब और इसको जो बनाने वाले हैं जो हमारे साथ पार्सल लाबन मौजूद हैं और इन्होंने हमारे नेशनल न्यूज़ के ऊपर ही नंबर लेकर लिया हमारा और हमें इन्होंने बुलाया कि मैं यहाँ पर एक ओपनिंग करवा रहा हूँ इस फेलोशिप क्लब की तो आप हमारे इस ओपनिंग को कवर करें ताकि जो, जो लोग हैं वो यहाँ पर आएँ क्योंकि ये मेह टाउन के लिए फिलफोर इन्हों बनाया गया है यहाँ पर जो साठ साल से अबव जो बुजुर्ग हैं वो जो इलाकों के अंदर जो बैठते हैं गलियों में वो अपनी जो है तनहाई को दूर करने के लिए लोगों के साथ गपशप भी नहीं कर सकते लेकिन ये क्लब बनाने का मकसद यही है कि वो लोग यहाँ पर आएं, यहाँ पर बैठें नौ से तीन बजे का टाइम है सुबह का टाइम इनको चाय मिलेगी फिर बाद में खाना मिलेगा और उसके बाद क्या क्या जो हैं मजीद इन्होंने काम यहाँ पे कर रहे हैं हम इनसे पूछते हैं जी पासे साहब ये बताइएगा कि ये कैसे सोचा आपने कि ये आपने ये फेलोशिप क्लब बनाना है सबसे पहले तो मैं ये का शुक्र करता हूँ इस सारे वक्त के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए उसने हमें दी है कि हम ये प्रोग्राम कर सकें उसके बाद मैं साजिद भाई आपका और आपकी सारी टीम का और नेशनल न्यूज़ नामा की टीम का मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए तो खुदा आपको बरकत दे सॉरी मैं आपका क्वेश्चन भूल गया हूँ आपने क्या पूछा था मैंने कहा कि आपने कौन सा एक विजन लेके इस क्लब को बनाने का सोचा जी हाँ जैसे आपने सुना था पहले जब मैं स्पीच दे रहा था तो मैंने बताया कि मेरे वालद साहब की जो पिछले साल डेथ हुई है अस्सी साल से ऊपर थे उनकी नज़र चली गई थी वो ब्लाइंड हो गए थे तो वो तन्हा रहते थे अकेले अगरचा हम उन्हें टाइम देते थे जितना भी दे सकते लेकिन फिर भी वो दैट वॉज नॉट इनफ काफ़ी टाइम नहीं था उनके लिए तो मैं जब उनको देखता था तो वो तन्हा अकेले बैठे होते मैं स्पेशल टाइम निकाल के जाता उनको मिलने के लिए तो जब मैं उनको तनहा देखता तो मेरी आंखों में आंसू आते थे और लिटरली मैं रोता था मेरी आंखों में आंसू आते थे तो जब उनकी डेथ होगी तो वो हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो जब मैं रो रहा था तो आ, मैं ये सोच के रो रहा था कि यहाँ पर मेरे वाले साहब अकेले बैठते थे तनहा बैठते थे तो जब तनहाई की बात आई तो खुदा ने मुझे कहा कि तेरे वाले साहब या तेरी वालदा जो वो अकेली लिए तनहा नहीं थी बहुत सारे और भी लोग हैं जो गलियों में कूचों महल्लों में तन बैठे हैं इस उम्र के लोग बुज़ुर्ग हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं उनके साथ कोई वक्त गुजारने वाला नहीं है तो खुदा ने कहा कि जा जा के ऐसे लोगों के लिए एक सेंटर खोल और उस रोया को उस विजन को जो खुदा ने मुझे दिया और खुदा ने मुझसे बोला तो मैंने उस पर अमल करते हुए ये सेंटर खोल दिया है आज और हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं और हम इस सेंटर को खुदा के सामने रखते हैं ताकि खुदा इस सेंटर की जितनी ज़रूरतें हैं वो उसे पूरा करे और हम इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ और इसे आगे तक लेकर चलेंगे खुदा हम के वजल से और जो कुछ हम करना चाहते हैं मैं वो बताना चाहता हूँ कि हम इस सेंटर में जैसा आपने अभी बताया कि सुबह नौ से लेकर तीन बजे तक यहाँ पर लोग आएंगे और उसमें हम सुबह को चाय देंगे उन्हें और उसके बाद फिर हम दोपहर को उनको खाना देंगे और हर रोज़ हमारी डिफरेंट डिश होगी हम उनको अच्छा देने की कोशिश करेंगे जैसा हम अपने घरों में खाते हैं वैसा उनको देने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस नो कमर्शल और इस नो प्रोफेशनल इज़ अ विज़न विजन फ्रॉम गॉड तो इसलिए हम खुदा क्योंकि कलाम मुकदस में लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो ये जान के करो कि मसीह के लिए करते हो तो वी आर डूइंग फॉर क्राइस्ट नो फॉर समबी एल्स तो क्राइस्ट के लिए हमें अच्छी क्वालिटी को रखना होगा अच्छे काम को रखना होगा अच्छी खुराक को रखना होगा अच्छी मैनेजमेंट को रखना होगा हर तरीके से हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे और हम उनको आ, हफ्ते में उनकी शेप भी कराएंगे और हम उनका महीने में एक बार उनका मेडिकल चेकअप भी करेंगे और अगर कोई कोई बुज़ुर्ग या बुज़ुर्ग खुदा में सो जाता है और उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती तो हम उनके कफन दफन का भी इंतजाम करेंगे अगर खुदा की मर्जी हुई तो और भी बाकी उनकी ज़रूरतों को हम मदनज़र रखेंगे तो इसके लिए हमें आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है माली और स्परिचुअली मॉरली हर तरीके से हमें आप लोगों की ज़रूरत है तो खुदा आपको वर्क कर दें अच्छा कोई आपने मेंबरशिप का आगाज़ किया है क्योंकि मेबरशिप बनी है अभी तक हाँ नहीं क्योंकि आज फर्स्ट डे है और ओपनिंग का दिन है तो कल से बिगनिंग हो जाएगी कल से पहला दिन होगा और हमने फार्म एडमिशन फार्म बनाए हुए हैं जिसमें हम उनका सारा डाटा लेंगे उनका चार्जेस तो नहीं ले रहे आप हाँ नहीं कोई एवरीथिंग इज फ्री कोई चार्जेस नहीं है तो अच्छा आपने ये सोचा नहीं कि लाहौर के अंदर योहन्नाबाद है भागुनी है और वो दो तीन इलाके हैं बड़े बड़े आपने ये वीर रोड पर मेहटोन को क्यों चुना कि आपने यही सेंटर सोशल जो क्लब है वेलफेयर का वो यहाँ पर बनाना है साजिद uh, भाई वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ वे गुड क्वेश्चन एक्चुअली जैसे यसु मसीह ने कहा कि पहले यरूशलम फिर यहूदिया और सामरिया क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ मेरा लोकल चर्च है मेरी कलिसिया कम्युनिटी है लोग हैं मुझे जानते हैं मैं बीस पच्चीस साल से इसी इलाके इस में खिदमत कर रहा हूं तो पहले यरूशलम पहले पे मेहटोन जहां पे मैं खिदमत करता हूं उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे इस विजन को हम आगे लेकर चलेंगे अच्छा अगर लोग आपको पैसों की शक्ल में अगर नहीं दे सकते तो क्या राशन की शक्ल में आपको दे सकते हैं कुछ एक्जैक्टली exactly, बिल्कुल हमें वी आर नॉट लुकिंग ओनली फॉर मनी अगर पैसे आएंगे तो अच्छी बात है अगर नहीं भी आएंगे तो हमें वो राशन की सूरत में भी दे सकते हैं हमें क्योंकि हमने हर रोज़ यहाँ पर पकाना है हमें घी की ज़रूरत है मिर्च मसाले की ज़रूरत है सब्जियों की ज़रूरत है दालों की ज़रूरत है आटे की ज़रूरत है चीनी की जरूरत है हर चीज़ की ज़रूरत है जो किचन में होता है तो जैसे भी कोई फूड कर सकता है या ब्लेस करना चाहता है या सपोर्ट करना चाहता है तो अच्छा आप इस क्लब को अकेले से चला रहे हैं कि यहाँ की टीम के मेम्बर आपके बने अभी आ, मेरे साथ जो आपका मतलब जो मैनेजमेंट मेरे साथ जो लोग हैं जी हाँ बिल्कुल हैं मेरी आ, मेरे भाई हैं मेरी फैमिली है और हमारे साथ और भी साथी हैं जो आ, मेरे साथ हैं केला तो कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता यसू मसी ने भी दो दो करके लोगों को भेजा था तो केला कभी भी कुछ नहीं कर सकता इसलिए मेरे साथ एक अच्छी टीम है लोग हैं और हम सब मिलकर इसको चलाएँगे सीनियर सिटीजन फेलोशिप क्लब बनाया है इसके हवाले से कुछ बताइएगा ये बहुत ही अच्छा है आ, के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा हुआ है मैं खुश हूं और बल्कि एक ही नहीं बल्कि यहाँ पर तो बहुत सारे होने चाहिए ताकि लोगों को मुश्किल दरपेश ना हो जी फेलोशिप क्लब जो बना है इस हवाले से कुछ बताइएगा कि ये मेह टाउन के अंदर बना है जीए, जीए। तो इसके हवाले से ये इसी टाउन के अंदर बना है ये वजह क्या हुई है हाँ यहाँ क्योंकि क्रिश्चियन काफी आबादी है बहुत बड़ी आबादी है और ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं उनको देखा गया कि वो रोड्स के ऊपर जो है वो कई दफ़ा बैठे होते हाँ जी और उनकी फैमिलीज जो हैं वो अक्सर यानी कि कुछ इलाकों में बाहर काम वगैरह करते हैं बुजुर्ग जो होते हैं फिर वो अकेले होते हैं तो उनकी फेलोशिप के लिए हमने चाहा कि यहाँ पे वो बैठ के खुदा उनके कलाम को भी सुने और रफाकत रखें और उनके लिए खाने पीने का भी, भी इंतज़ाम किया गया है तो आप कभी कबार यहाँ देने के लिए आया करेंगे जी मैं इसी इलाके में स्कूल सिस्टम है है किंगडम ऑफ हेवन के नाम से मिनिस्ट्री तो मैं इसी इलाके में ही रह रहा हूँ और हम आ, साथ मिलकर रफाकत रखेंगे खुदाम के फजल से जी पाई भी ये बताइएगा कि पासुर के साथ आपके बड़े पुराने तलाक़ात हैं वो तो जिस तरह उन्होंने ये विजन बनाया है कि बुजुर्गों के लिए फेलोशिप क्लब बनाया है उसके हवाले से कुछ क्या ख्याल आता है आपके मैं ये सोचता हूँ लोग बाकी तो सारे काम करते हैं लेकिन बुज़ुर्गों के लिए काम नहीं करते ये बड़ा ही ख़ूबसूरत बेहतरीन वियन है और मैं दिली तौर पे बहुत खुश हूँ अप्रिशिएट करता हूँ पास्ट लॉबन को जिन्होंने ये काम शुरू किया है और मेरी दुआ है ये काम बढ़ता चला जाए लोग इसमें आए ज्वाइन करें डर्स बने और ऐसे लोग जो गलियों में पड़े रहते हैं और जिनको कोई पूछता नहीं आए जिनके बाद बच्चे काम पे चले जाते हैं वो सारा दिन बेचारे परेशान होते रहते हैं गर्मी में आगे सर्दी आ रही है तो तरह तरह की बीमारियों का भी शिकार होते हैं तो ये बड़ा अच्छा है लोबन ने उनके टेक केयर के लिए बड़ा अच्छा बनाया वो कहते हैं उनका चेकअप भी होगा मेडिकल चेकअप भी होगा फिर उनकी कोई सर्विंग भी होगी और ये बहुत अच्छा काम है अच्छा जिस तरह मेहटोन में क्लब बना है है तो तो क्या ख्याल है आपका कि दूसरे इलाकों में बनना चाहिए हाँ, मेरा तो अपना भी यही ख्याल था कि मैं ग्रीन टोन में शुरू करूँ लेकिन लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से मैं इसको शुरू ना कर पाया हाँ जी ये बहुत अच्छा काम है बहुत ही खूबसूरत काम है।, है काश के गवर्नमेंट के अदारे और बल्कि मैं तो ये कहूँगा जितने पासबान मिनिस्ट्री चला रहे हैं वो मिलकर इस काम को करें तो ये बहुत अच्छा होगा जी सिस्टर ये बताइएगा कि मेह के अंदर ये फेलोशिप क्लब बनाया है तो इसके हवाले से पास्टर लॉबन ये काम जो करना चाह रहे हैं तो क्या ख्याल है आपका ये बेहतर है ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਲਾਮ ਸ਼ੁਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਬਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਸੁਬਾਪ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੌਜਾ ਕੀਤਾ ਇਸਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੌਜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਲੱਬ ਮੇ वो खुदा उनकी खिदमत भी करेंगी और बुजुर्ग आएंगी उनको खाना बना के देंगी चाय बना के देंगी सिस्टर जी कैसे आपने सोचा कि मैं इस क्लब के साथ ज्वाइन करूँ और ये खुदा की खिदमत भी साथ जी भाई आए हम इधर रह रहे हैं एक साल से तकरीबन भाई इधर आए हैं भाई ने उन्हें हमसे पूछा है कि सिस्टर जी हम बाहर से रख रहे हैं तो आप चाहेंगी कि आप इधर खुदावन की खिदमत करें तो मैंने कहा भाई ज़रूर मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये काम शुरू किया और मैं शुक्र शुक्रगुजारी करती हूँ उस चीज़ की कि, कि आपने यह काम शुरू किया और मैं बच चाड़ के हिस्सा ले रही हूँ इसमें मुझे ज़्यादा दिल से खुशी है कि भाई ने ये मुझे काम करने का मौका दिया और खुदावन ने मुझे इस्तेमाल करने का अपने इस्तेमाल करने का मौका दिया ताकि मैं बुज़ुर्गों की मदद कर सकूँ और उनको खाना खिलाऊँ और उनकी कर और है है कि मेरा भी नहीं और मेरी सास भी नहीं है, है। इससे ज्यादा खुशी मुझसे सकती है है कि मेरे नहीं है और मुझे बुजुर्गों की करने का मौका मिला शुक्रिया भाई जिस तरह पास्टर ने यह काम शुरू किया है कि बुजुर्गों के लिए क्या क्या है से आप? बिल्कुल अच्छा एक काम किया है ये करने चाहिए लोगों को ये यूथ को आगे आना चाहिए हमारी जो कॉम है इसमें जो यूथ है उनको आगे बढ़ के ये काम करने चाहिए इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि ऐसे काम हम करें हमारी जो कॉम है वो आगे बढ़ सकें जैसा आप देख सकते हैं उन्होंने मेर टाउन में एक बड़ा अच्छा एक ओल्ड फेलोशिप जो बुजुर्ग हैं उन्होंने क्लब बनाया यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने खाना वगैरह जो भी उनका यहाँ पे है उन्होंने एक यीशु के फसल से बड़ा अच्छा एक काम किया है जी भाई ये बताइए कि जिस तरह पास्टर लॉबन ने ये यह महटोन के अंदर सीनियर सिटीजन फेलोशिप क्लब बनाया है उस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये के जो वो वर्ल्ड थे उसने कहा कि जब आखिर ज़माना होगा जब क्या होगी तो मैं अवाम से ये सवाल करूँगा कि मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे, मुझे खाना ही खिलाया तो यसुम सि ने दूसरा सवाल किया कि मैं प्यासा हूँ तो उन्हें मुझे पानी पिलाया ये सबसे तीसरा लफाज बोला कि मैं नंगा था तो उन्हें मुझे कपड़े दिए तो वो जो अमीर या बहुत ज़्यादा दौलतमंद आया तो वो कहता है खुदावन तो कब मुझसे मेरे पास आया और तो ये तो उन्हें यह सवाल किया और जाफयात की तो उसने कहा जिसने भूखों को खाना खिलाया उसने मुझे खिलाया जिसने पैसों को पानी पिलाया उसने मुझे पिलाया जिसने नंगों को कपड़े दिए उसने मुझे दिए तो मैं समझता हूँ कि ये जो विज़न है ये जो रोया है ये खुदा उनके वो लिफाज हैं जो उसने बोले थे आज दो हजार सात सौ साल पहले के वो आज पूरे हुए हैं और इसमें ख़ुदा उनको ब्लैस करे और ये खुदा उनके से पाया तकमीर तक पहुँचाए और ये मैं समझता हूँ कि बढ़ापे में बेश इंसान केला वाकई डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है तो उसको वो उसकी जो जब तक उसमें खुदा के साथ फेलोशिप रहती है तो वो उस आखरूज के साथ रहता है तो उसको तकवीयत मिलती रहती है उसे कॉन्फिडेंस मिलता है अगर वो दुनियादारी में चला जाता है तो वो डिप्रेशन और एनजाइटी के मरीज हो जाते हैं दैन वो, वो अपनी या सुसाइड कर लेते हैं अगर वो जो जो ब्लसड पीपल हैं या स्पिरिचुअल लोग हैं अगर स्परिचुलिस फेलोशिप में तो वो खुदा उनकी फेलोशिप की, की वजह से वो अपने पाखरों से भर जाते हैं तो वो उनको इतमान तसली और सुकून मिलता है और ये बहुत बड़ बड़ा मतलब कि जो वीज़न है या रोया खुदा उनको इनसे में काम चुप करे और मेरी दुआ है कि खुदा उनके लाभ के तरक् सर मैं घर घर जाके ये बताऊंगी लोगों को जो पचास साठ साल की उम्र के बुजुर्ग है वो आए जहाँ पे इबादत भी होगी खाना मिलेगा उन्हें चाय वगैरह और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो मेरे टोन की कलिसिया के लिए आप लोगों ने तैयार किया है तो ये इस हवाले ऐसी सबको बताऊँगी कि आप आए इधर सब आए और अपना टाइम स्पेंड करें कुछ कहना चाह रहे पास्टर लोबन ने जो कुछ भी किया है उनकी कलेसिया के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है उन्होंने बुजुर्गों के लिए जो बहुत अच्छा है जो थैंक यू उन लोगों का और सब पास्टर लॉबन का भी थैंक यू कि उन्होंने इन्होंने किया थैंक यू नाजिन जिस ने सुना कि पास्टर लॉबन जो हैं एक अच्छा विजन लेके सामने आ रहे हैं कि उन बुजुर्गों को जो घरों में बैठ कर तनहा रहते हैं जिनके जो बेटे हैं जो बेटियाँ हैं वो जॉब के लिए निकल जाती हैं या वैसे टाइम नहीं देती उनके टाइम को पूरा करने के लिए उन्होंने ये फेलोशिप क्लब खोला है और इन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे सका तो मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे जो हैं जो लोग हैं जो इस तरह की तन्हाई में मुबला हो रहे हैं उनकी तन्हाई दूर करने के लिए मैं ये फेलोशिप क्लब खोलूँ और ये इनका विजन ये भी अच्छा है कि जिस तरह हमारा ये फेलोशप क्लब मेह टाउन में अगर कामयाब होता है तो हम लाहौर के मुख्त इलाकों में भी जाएंगे और लाहौर से बाहर दूसरे शहरों में भी इस तरह करेंगे क्योंकि कहीं भी जहाँ भी मसीही लोग रहते हैं वहाँ पर बुज़ुर्ग भी होंगे और उनकी तनहाई को पूरा करने के लिए ऐसे फैलोशिप क्लब जो बनने हैं वो होने ज़रूरी हैं और इनका जो नीचे नंबर मैं दे दूँगा वो नंबर जैज़ कैश का भी होगा आप इनको जैज़ कैश के ऊपर पैसे भेज सकते हैं और अगर आप कैश नहीं दे सकते कोई राशन की शक्ल में दे सकते हैं तो इनके नंबर पर रबता करके आप इनसे इसी जगह पर विज़िट भी करें और इस क्लब को देखें ये दिखने में तो नॉर्मली ही लग रहा है लेकिन देखा जाए तो यहाँ के जो एरिया के हवाले से देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका रहन सहन भी इस तरह का है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं जैसा देश वैसा बेस जिस तरह के देश में ये क्लब बना है उस हिसाब से ये बेहतरीन है तो मेरा ख़्याल है कि ऐसे क्लब और भी बनने चाहिए ताकि जितने भी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं जो घरों में तन्हाई में मुबला हो जाते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं और वो इस तरह के इस क्लब में आए अपना टाइम जो स्पेंड करें जैसे जहाँ पर इबादत भी होगी खेल कूद के मौके भी मिलेंगे गेम्स भी होंगी और एजुकेशन के हवाले से भी कुछ लोग अगर बुज़ुर्ग नहीं पढ़े हुए उनको पढ़ाया भी जाएगा मेरा ख्याल इस तरह क्लब को बनने के लिए हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे और कैमरामैन तारक पैरा को जाए दीजिए खुदाफ़ि